दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अध्यात्म, दैवीय शक्तियों और ईश्वर के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग ये जरूर मानते हैं कि ईश्वर हम में और हमारे आसपास की हर चीज़ में रहते हैं और वो हमको हर वक्त देखते भी हैं और हमें सुनते भी हैं। और अगर साफ और सच्चे दिल से उनसे कुछ मांगा जाए तो वे हमारी हर मुराद को पूरा भी जरूर करते हैं। लेकिन अपनी मुराद को मांगने के लिए हमें पूरे दिन में सिर्फ वो एक गोल्डन मिनट या पल ही मिलता है जब मुंह से निकली हर बात कबूल होती है। और इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो अच्छा ही बोलो, ना जाने कब आपका गोल्डन मिनट आ जाए और आपका कहा सच हो जाए। कहते हैं कि उस गोल्डन मिनट में आप जो भी मांगते हो वो जरूर पूरा होता है। लेकिन ये गोल्डन मिनट आता कब है? 24 घंटे में वो कौन सा क्षण होता है जब ईश्वर हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं? वैसे उस गोल्डन मिनट को जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल के अनुसार एक ऐसा स्पेशल फॉर्मूला है जो उस गोल्डन मिनट को जानने में हमारी मदद कर सकता है। उस आर्टिकल के अनुसार दिन के गोल्डन मिनट को जानने के लिए हमें किसी भी दिन की तारीख और महीने को यूज करना होता है, जिसमें हम डेट को आवर के कॉलम में रखेंगे और मंथ को मिनट के कॉलम में। मतलब समझो कि अगर तारीख 10 जनवरी है तो गोल्डन मिनट का टाइम होगा 10:01। ठीक इसी तरह अगर डेट 21 जुलाई है तो उस दिन का गोल्डन मिनट होगा रात के 9:07। लेकिन अगर तारीख 25 या 25 से 31 के बीच में हो तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। मतलब मंथ आवर के कॉलम में आ जाएगा और डेट चली जाएगी मिनट के कॉलम में। जैसा कि अगर तारीख है 26 दिसंबर तो गोल्डन मिनट होगा 12:26। तो दोस्तों, आप भी अपने गोल्डन मिनट का ध्यान रखें और जब आपका गोल्डन मिनट आए तो सच्चे दिल से ईश्वर के सामने अपनी इच्छा रखें। लेकिन ध्यान रहे कि ये तभी होगा जब आपको ईश्वर पर विश्वास होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।